बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में 30 मिनट देर से पहुंचे बंदोपाध्याय। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से किया गया ट्रांसफर। 31 मई को ज्वाइन करने का निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में ममता की देरी पर गरमाई सियासत। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम की बैठक से निकलने पर घिरी ममता बनर्जी। बीजेपी बोली, अहंकार अलग रखना चाहिए। सुविधु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कोई भी नॉन एनडीए सीएम कभी ऐसा नहीं करता है। बिहार में दिख रहा है यास की तबाही का मंजर। भारी बारिश के कारण ढह गए कई मकान, घरों, अस्पतालों और सड़कों पर भरा पानी। बिहार में चक्रवाती तूफान यास से हुई मौत पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। मृतक के परिजनों को किया 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। झारखंड में यास तूफान का दिखा असर। भारी बारिश से कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, कई पेड़ टूटकर गिरे। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा, 5 मंजिले बिल्डिंग का गिरा स्लैब। हादसे में 7 लोगों की मौत। ठाणे के उल्लासनगर में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। इमारत करीब 26 साल पुरानी बताई जा रही है। हादसे के बाद बिल्डिंग को किया गया सील। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। अभी हादसे की वजह साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी समारोह में गिरा हाई टेंशन तार। हादसे में 4 बारातियों की झुलसने से मौत हुई। 12 से ज्यादा बाराती जख्मी हुए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। सरकार ने मंगवाए आवेदन। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध है। भारत चीन गतिरोध के बीच बोले आर्मी चीफ नरवणे, चीन पर आंख मूंद कर नहीं किया जाएगा यकीन। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा, एलएसी पर हमारे सैनिक भी तैयार और सतर्क स्थिति में है। नई गाइडलाइन को लेकर अब भी अड़ा ट्विटर। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का डिटेल शेयर नहीं किया, जबकि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने शेयर किए डिटेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी गृह सचिव एंटोनी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। संकट के समय भारत का साथ देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया अमेरिका का धन्यवाद। कोरोना से साथ मिलकर लड़ते रहेंगे भारत और अमेरिका। पहली बार भारत ने कोरोना वायरस की जांच के लिए आधिकारिक तौर पर समर्थन किया। चीन का नाम लिए बगैर कहा, दुनिया के सभी देश करें सहयोग। स्वामी रामदेव को मिला आयुर्वेदिक डॉक्टरों के संगठन एनआईएमए का साथ। एनआईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा पत्र, पूछा आयुर्वेद को स्यूडो साइंस कहने वालों पर कार्रवाई कब। एमए और रामदेव के विवाद के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा एक दूसरे के विरोधी न बनकर एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। ब्लैक फंगस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा हम सभी नर्क के माहौल में रहने को मजबूर। कल तक जिस बीमारी का पता नहीं था, आज महामारी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी, बताया दिल्ली में ब्लैक फंगस केस 411 एक्टिव केसेस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1141 नए मामले सामने आए, वहीं 139 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 15,000 से कम हुई। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटे में 924 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं कोरोना से 30 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,740 नए केस सामने आए, जबकि 424 लोगों की मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,270 नए मामले आए सामने, 194 मरीजों की मौत हुई। राजधानी में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के छात्र कर रहे हैं लोगों की मदद। रोजाना 400 से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं खाना, भोजन के अलावा काउंसलिंग का भी जिम्मा संभाला। डब्ल्यूएचओ ने फिर थपथपाई योगी सरकार की पीठ, प्रदेश में तंबाकू के प्रयोग को कम करने और रोकने के लिए किया बेहतरीन काम। सीएम योगी के 3D फॉर्मूले का जबरदस्त असर, कासगंज और महोबा जिला हुआ कोरोना मुक्त। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में कोविड के मामले। कोरोना को लेकर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर मंदिर की बड़ी पहल, बिना कोरोना वैक्सीनेशन के मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश। एंट्री पर दिखाना होगा वैक्सीनेशन का सरकारी सर्टिफिकेट। उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ में गिरावट जारी, बीते 24 घंटे में मिले 1,942 नए संक्रमित, 52 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में तेजी से सुधर रहे हैं कोरोना के हालात, 1854 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आगरमालवा में नहीं मिला एक भी मामला, शाजापुर, हरदा और साथी बुरहानपुर में सिर्फ एक एक नया संक्रमण। कोरोना से जंग में मैदान में डटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में अचानक पहुंचे भेल कोविड कमांड सेंटर, अधिकारियों से संक्रमण के नियंत्रण पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,840 नए मामले, 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया, 4,961 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती।
विदिशा में दो हफ्ते बाद सहकारी बैंक खुलते ही उमड़ी किसानों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी। उज्जैन में सीएसपी ने ग्राहक बनकर मारा छापा, एक आरोपी से 16 इंजेक्शन जब्त। राजस्थान में कोरोना पर कंट्रोल, 24 घंटे में 2648 नए पॉजिटिव केस आए सामने, 78 लोगों ने तोड़ा दम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, प्रदेश में वैक्सीन के 11.5 लाख डोज बर्बाद होने की खबर को बताया झूठा, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ने का भी लगाया आरोप। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 687 नए मामले आए सामने, जबकि 19 मरीजों की जान गई। राजधानी रांची में अब घर बैठे होगा वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री ने की मोबाइल वैक्सीन वैन की शुरुआत, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की है व्यवस्था। पंजाब हरियाणा हिमाचल में कोरोना के मामले घटे, बीते 24 घंटे में पंजाब में 3724 नए मरीज मिले। किसान नेता राकेश टिकैत की जी हिंदुस्तान को धमकी, जी मीडिया के ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान किया। राकेश टिकैत के मीडिया सेल ने ट्वीट कर दी धमकी, किसानों को भड़काकर मीडिया पर हमले की साजिश। खबर दिखाए जाने के बाद राकेश टिकैत का मीडिया सेल घबराया, मीडिया सेल के हेड सौरभ उपाध्याय ने धमकी वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। जेवर टोल पर बेअसर दिखी राकेश टिकैत की धमकी, यहां ना के बराबर रही किसानों की संख्या, टोल पर चक्का जाम का कार्यक्रम रहा फीका। उत्तर प्रदेश के दौराला में टिकैत समर्थक किसानों की मनमानी, टोल नाके को बंद कर लगाया ट्रेन, धरना प्रदर्शन लंबा खींचने की है तैयार। कोरोना काल में महाराष्ट्र के इंदापुर में शादियों में इस्तेमाल होने वाले घोड़े के मालिकों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट, तहसीलदार के दफ्तर के बाहर घोड़े नचाकर नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक के बेलारी के कोविड सेंटर में डॉक्टर्स ने डांस के जरिए मरीजों का उत्साह बढ़ाया, इस मुश्किल वक्त में मरीजों के मनोबल को बढ़ाने की खास कोशिश की गई। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने जब्त किया 340 ग्राम कैलिफोर्नियम, दुनिया का दूसरा सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ, 1 ग्राम की कीमत करीब 19 करोड़ रुपए, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर की बमीचा थाना पुलिस के आरक्षक को भीड़ ने लाठी डंडे से जमकर पीटा, दुकान बंद करने गया था पुलिसकर्मी, जिसका विरोध कर रहे लोगों ने पिटाई कर डाली। यूपी के औरैया में सरेआम अवैध असलहे लहराने का मामला, इलाके में दहशत का माहौल, वीडियो हुआ वायरल, हलासपुर गांव की घटना। बिहार के जहानाबाद में बाइक सवार युवक की पिटाई से भड़के ग्रामीण, पुलिस के साथ की हाथापाई, ईंट पत्थरों से भी किया हमला, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में गदर, बैठक स्थगित करने पर चली कुर्सियां, महिला सदस्य ने किसी तरह भागकर जान बचाई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मानेवाला के सरपंच और उनके परिवार पर 4 से 5 लोगों ने किया जानलेवा हमला, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के कैमूर के भभुआ में पुलिस टीम पर पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल, लॉकडाउन का पालन कराने गई थी टीम, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सागर मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी, पुलिस गिरफ्त में आया विजेंद्र नाम के पहलवान ने कबूला जुर्म, कहा सुशील के कहने पर की थी पिटाई। कई कोरोना नियमों के बीच आज होगी एनडीए पासिंग आउट परेड, देश को मिलेंगे 300 से ज्यादा ऑफिसर। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत, गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। लद्दाख में आर्मी के बड़े अफसरों का दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने किया दौरा। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा के उद्गम क्षेत्र के ग्लेशियर में फिर से दिखाई दी दरारें, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी जानकारी। राजस्थान के कोटा में पड़ोसियों को डीजे बजाने से रोकने पर युवक के साथ मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, घरेलू बिजली के दाम में 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक की कटौती, 1 जून से लागू होंगी नई दरें। केरल कैबिनेट की बैठक में 12 फैसलों पर लगी मुहर, एपीएल कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर राशन देने का फैसला, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पाटीदार का पता लगाने और अब तक की गई पुलिस की कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट, 14 जून तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। भरतपुर सांसद पर हमले के बाद राज्य सरकार पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी, कहा प्रदेश में कानून का राज खत्म हुआ, सांसद भी अगर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का आखिर क्या होगा। धौलपुर पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, शहर के नामी ज्वेलर के घर पर डकैती की बना रहे थे योजना। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका बनी अखाड़ा, टेंडर को लेकर पार्षदों और प्रशासन के बीच हुआ टकराव, हाथापाई की नौबत यहां पर आती नजर आई। कांची नदी पर बने पुल के टूटने पर सीएम हेमंत सख्त, ग्रामीण विकास सचिव का किया तबादला, उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश।
गुमला में मिली पुलिस को बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी नक्सली माधव भगत को किया गिरफ्तार। पंजाब कांग्रेस के सियासी घमासान को लेकर गठित 3 सदस्यों की कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक, पार्टी आलाकमान की बनाई कमेटी में हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल हैं शामिल। भारतीय चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, नए नियमों की जानकारी दी। अपने विवादित बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आए कमलनाथ, सीएम शिवराज का वार, कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूर्व सीएम। मध्य प्रदेश में ओपन बुक पैटर्न पर होंगी यूजी पीजी की परीक्षाएं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान, छात्रों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। उत्तराखंड के नैनीताल और पिथौरागढ़ में अगले 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7 फैसले लिए गए, कोविड से जुड़े इक्विपमेंट पर टैक्स से राहत, 31 अगस्त तक कारोबारियों को टैक्स से मिलेगी राहत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला, जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ या ज्यादा है उन्हें 2020-21 के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देना होगा। 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर, एविएशन मंत्रालय ने डोमेस्टिक एयरलाइंस को हवाई किरायों का 15% तक बढ़ाने की मंजूरी दी। एचडीएफसी बैंक को एक और बड़ा झटका, नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई ने लगाया 10 करोड़ का जुर्माना। केनरा बैंक ने लॉन्च किया 3 नए लोन प्रोडक्ट, कोरोना पीड़ितों और उनके इलाज में लगे अस्पतालों को देगा 50 करोड़ रुपए तक का सस्ता कर्ज। आज बीसीसीआई की अहम बैठक, आईपीएल 14 के भविष्य पर हो सकता है फैसला। श्रीलंका ने तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 97 रनों से हरा दिया, हालांकि बांग्लादेश इस मैच से पहले ही 2-1 से सीरीज अपने नाम कर चुका। WTC फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को डेवन कॉनवे के रूप में मिला नया ओपनर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होगा मैच। टोक्यो ओलंपिक में कमेंट्री करती नजर आएंगी डेविड वार्नर की पत्नी, खुद रह चुकी है नेशनल चैंपियन। क्वारंटीन में खास तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस ने किया खुलासा। इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। पाकिस्तान के हिंदू सांसद ने निचले सदन में पेश किया विधेयक, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिले गैर मुस्लिम के तौर पर पहचान, समानता और इंसाफ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्हें खेला नेपाल में मिली जुली सरकार बनाने का दाव, कहा सभी दल मिलकर बनाए सरकार और कराएं चुनाव। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारतीयों के योगदान को सलाम, भारत के पुरुष और महिलाओं के अहम योगदान के लिए उनका सम्मान। श्रीलंका में ड्रैगन की दखलंदाजी, साइन बोर्डों पर तमिल की जगह चीनी भाषा में जगह ली, मचा बवाल। चीन ने अंग्रेजों को बताया कश्मीर विवाद की असली जड़, कहा जाने से पहले घोल गए नफरत। फ्रांस में थाने में इस्लामिक कट्टरपंथी ने महिला पुलिसकर्मी को किया जख्मी, 2 को मारी गोली, आतंकी वारदात का शक। ब्रिटेन ने जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को दी मंजूरी, फाइजर एस्ट्राजेनेका मॉडर्न के टीकों को मिली हरी झंडी। जापान में कोरोना संक्रमण के कारण इमरजेंसी 20 जून तक बढ़ी, ओलंपिक से पहले नहीं कम हुई दिक्कतें। कैलिफोर्निया के सैन होजे रेल यार्ड में हुई गोलीबारी, गोलीबारी में 9 की गई जान, पंजाब के तपतेज सिंह की भी हुई मौत। अनुभव सिन्हा ने उड़ाया सुशांत सिंह राजपूत का मजाक, नाराज हुए फैंस, बोले तुम्हारी बारी भी आएगी। रणदीप हुड्डा जोक विवाद पर यूजर ने पूछा कहां है नारीवादी तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा।